हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैंने आपको बताया था कि मैं आपके रोज़ सवालों का जवाब दूंगा, इसलिए मैं दो वीडियो बना रहा हूं ताकि आपके सवाल जो मुझको आप लोग पर्सनली सवाल पूछ रहे हैं मुझको, उसका मैं जवाब दे सकूँ ताकि आपको भविष्य में या काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं हो। देखिए मेरा लाइफ में क्या हुआ था। मेरा जॉब जो लगा था वो 30 साल में लगा था जॉब। मेरी गर्लफ्रेंड थी बहुत बचपन की, उसने काफ़ी वेट किया मेरा, 25, 26, 27 तक वेट किया। लेकिन मेरा उस समय दोस्तों नहीं आए, उसमें घूमने फिरने में इतना बिजी था, मैं जॉब नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरी उससे शादी नहीं हो पाई। जब वो जाने के बाद मुझे ख्याल आया कि मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया 30 साल में। तब तक उसके बाद नहीं मिली, उसके बाद फिर मैंने कभी शादी करने का फैसला नहीं किया। तो मैं यही चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा ना हो, आप जिससे प्यार करते हैं या घर वालों से करते हैं उनके लिए कुछ करें, कुछ बने। इसलिए मैं आपको डेली मोटिवेट करता हूँ, आपके साथ हर सवालों का जवाब कर देता हूँ मैं आपको, और हर आप प्रॉब्लम करता हूँ। सेकंड बात, आप मुझको मैसेज कर रहे हैं यूट्यूब के उसमें मुझको मैसेज नहीं मिल रहे हैं। आप मुझको मैसेज कीजिए, जो भी आपके सवाल हैं मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक मेरे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें आप मेरे मुझको सब्सक्राइब करके या फिर फॉलोअर बन के इंस्टाग्राम में मुझको आप मैसेज कीजिए, क्योंकि आपके मैसेज जो है मुझको नहीं मिल पा रहे, वो मेरे वीडियो में ही रह जा रहे हैं। और वीडियो को मैं खुद अपने मोबाइल से या किसी मोबाइल से भी ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ऐड चलते हैं, मेरा चैनल ऐड चलते हैं तो मेरा चैनल डिलीट हो सकता है। मैं अपने आईडी से अगर उस मैसेज को करता हूँ तो मेल में आपके मैसेज पहले आते थे, अब नहीं आ पा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको मैसेज करना है तो व्हाट्सअप में कर लीजिएगा, या फिर मेरे सबसे बढ़िया होगा इंस्टाग्राम आईडी, जो मेरे अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो उस इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आपके सवाल है तो मैं स्टार्ट करता हूँ ताकि आपके सवालों के उत्तर मैं अच्छे से दे सकूँ और आप भी सब समझ सकें फाइनेंस क्या है, कैसे काम करना है। वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन आपके काम का रहेगा, आपका बहुत काम आएगा ये वीडियो। आपने मैं हर आदमी के क्वेश्चन उठाऊंगा, बस थोड़ा वेट कीजिएगा। स्टार्टिंग करते हैं सर। एक सब्सक्राइबर ने मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किया था कि सर फाइनेंस कंपनी में मेरा जॉब लगा है, 7,000 सैलरी बोल रहे हैं तो, और इंसेंटिव इसमें कितना आएगा आपने बताया नहीं इसमें डिटेल में कि आपका सेगमेंट क्या दिया है। उन्होंने बाइक दिया है, कमर्शियल व्हीकल दिया है, कार दिया है, पैसेंजर दिया है, तो सब में अलग अलग इंसेंटिव आएगा। लेकिन आपको 7,000 सैलरी अगर मिल रही है, कौन सी बैंक आपने फाइनेंस बैंक बोला है, आपने कंपनी भी नहीं बताया मेरे को, ठीक है। फिर भी आप अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो इंसेंटिव मिला के आपको जिस कंपनी में काम करते हैं, हर कंपनी का अलग इंसेंटिव होता है, चोला का अलग होता है, तो आपको मिनिमम आज के डेट में फाइनेंस लाइन में काम करेंगे तो 17-18 हज़ार अगर अच्छे से काम करते हैं तो मिल जाएगा, वो भी ऑन रोल होने के बाद 5-6 महीने के बाद। अभी आपको 7-18 हज़ार सैलरी मिल रहा है, 10-12 हज़ार 15 हज़ार आपका बन जाएगा, बाद में आपका ये 20-22 तक आपका मिल जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, अच्छे से काम कीजिएगा, ठीक है। रोशन राज जी का सवाल है सर, अन्नपूर्णा फाइनेंस का ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, कैसे करें प्लीज़ बताइए। देखिए जितनी फाइनेंस कंपनियां होती है ना, ये ऑनलाइन जॉब बहुत कम निकालती है। L&T निकालती है एक तो ऑनलाइन जॉब, और बजाज निकालती है एक तो ऑनलाइन जॉब, दो को छोड़ के अन्नपूर्णा उड़ना के लिए आपको उनके ऑफिस विजिट करना पड़ेगा, या फिर गूगल में आप सर्च कीजिए अन्नपूर्णा फाइनेंस, अन्नपूर्णा फाइनेंस का पेज खुल जाएगा, वहाँ कैरियर का ऑप्शन रहेगा, आप कैरियर में दबाएंगे तो वहाँ आपको जॉब भी मिल जाएगा और आपको वहाँ CV अपलोड करने का सेक्शन भी दिया जाता है तो आप उसमें CV अपलोड कर सकते हैं। यही है ऑनलाइन अप्लाई का। इसके अलावा कुछ ज़्यादा अगर कुछ हो रहा है तो मैं अपने दोस्तों से जाके पूछता हूँ, मैं जितने भी लोग चोलामंडला महिंद्रा पर फाइनेंस में काम करते हैं तो उनसे पूछता हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई का क्या रास्ता है, तो जाके उनसे पर्सनली मैं मिल के आपके लिए मैं ऑनलाइन अप्लाई का भी एक जो सिस्टम उनके पास होगा, बाई चांस बहुत जगह तो नहीं है, अगर होगा तो मैं आपके लिए बहुत जल्दी ला के आपको एक वीडियो बना कर दे दूँगा। मोहम्मद जवाद आलम भाई जी का कहना है कि सर मैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में कलेक्शन ऑफिस में आया हूँ, तो इसमें कलेक्शन को इम्प्रूव कैसे करें। देखिए आप कलेक्शन में इम्प्रूव करने के लिए आपको देखिए कि आपको एक आपने कलेक्शन में आए हैं तो आपको एक पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा
कि आपको इतने लोगों का कलेक्शन करना है, आपको 250, 300, 400 लोगों को, ठीक है। तो हर हफ्ते आप लिस्ट निकालिए, अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, हर हफ्ते लिस्ट निकालिए कि कितने लोगों ने किस्त दिया है, कितने लोगों ने नहीं दिया है, कितने लोगों ने डेट दिया है। एक महीने बाद आपको पता चल जाएगा, एक महीने बाद जब आप लिस्ट निकालेंगे तो कितने लोगों ने किस्त भरते हैं रेगुलर, कितने लोग नहीं भरते हैं, कितने लोग ने लिस्ट किस्त भरना ही बंद कर दिया है। तो जो लोग किस्त भरते हैं उनके पीछे आपको जाना नहीं है, वो आराम से किस्त भरते रहेंगे, उसका पैसा मिलता रहेगा उनके पीछे, आप वो आपके नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके लिए बहुत अच्छे हैं। रेगुलर किस्त भर रहे हैं तो आपके आपके उसमें ही जाएगा, ये आपके फ़ायदे की बात है, उनके पीछे मत पड़िए, वो आराम से किस्त भरते रहेंगे। जो लोग किस्त लेट कर रहे हैं उनको आप डेली फ़ोन करिए, दबाव डालिए उनके ऊपर, डेली फ़ोन कीजिए। जो लोग जैसे बीस डेली कम से कम 15-20 लोगों को फ़ोन कीजिए, सर आपका डेट है, पैसा कैसे भी करके मुझको चाहिए, आप कुछ भी कीजिए, पैसा मुझको चाहिए, उनका दबाव डालिए, वो कुछ नहीं कर सकते आपका। हाँ मोटोल को ज़्यादा होगा तो उनके घर जाइए, लेकिन कंपनी का पैसा लेके आइए। अगर आप कंपनी का पैसा लेके नहीं आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं और आपके जॉब के लिए ये बहुत बेकार बात होगा, आपका इंसेंटिव नहीं बनेगा, आपका वैल्यू भी गिरेगा। तो आपको एक मतलब एक वो बन जाना है, मतलब अगर कलेक्शन में है तो आपको एक बनिया बन जाना है आपको, कि जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनसे झीक के लाओ, कुछ भी करके लाओ, लेकिन पैसा लेके आना है। आप पैसा के लिए दबाव डालिए, उनको डेली फ़ोन कीजिए, डेली उनके घर जाइए जो लोग पैसा नहीं दे रहे हैं, और जो लोग एकदम ही बंद कर दिए उनका गाड़ी सीज करके ले आइए बीएम से बात करके, तो ही आप कलेक्शन में काम कर पाएंगे। वरना आप नॉर्मली अगर कलेक्शन में सर आपका किस्त है आप किस्त भर दीजिए तो कोई नहीं देने वाला, दोस्त मैं बहुत साल काम कर लिया कोई नहीं देता है। आपको उनसे मिलना पड़ेगा, उनको 10 बात सुनाना पड़ेगा, डेली फ़ोन करके उनको चिल्लाना पड़ेगा, तब वो किस्त देंगे। कैसे भले आपके स्वभाव में नहीं है लेकिन ये करना पड़ेगा, ये कीजिए। 3 महीने में आपका कलेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका कलेक्शन इतने इम्प्रूव हो जाएगा कि आपको बैठे बिठाए कलेक्शन मिलने लगेगा और बहुत जल्दी आपका कलेक्शन बेस पर प्रमोशन हो जाएगा और काफ़ी अच्छी लाइफ आप जी सकते हैं। अभिषेक कुमार जी का सवाल है, सर इंडसइंड फाइनेंस में मैं कलेक्शन मैनेजर के लिए MBA की ज़रूरत होती है या MBA वाला बनता है, क्योंकि मैं सिर्फ ग्रेजुएट हूँ और सैलरी एंड इंसेंटिव कितना मिलता है। देखो इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा बैंक है, उसके अंदर जो फाइनेंस है बहुत अच्छा है, उनका इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न भी बहुत कम है, ठीक है। वो इंडसइंड बैंक ज़्यादातर मशीनों को फाइनेंस करता है, JCB भी फाइनेंस करता है, ठीक है। तो उसके जो उनका जो है इंडसइंड बैंक का, वो ज़्यादातर यही चाहते हैं कि हमारे जो एम्प्लॉय हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, उनको ही प्रोग्रेस दिया जाए, उनको ही BM बनाया जाए, उनको ही इससे क्रेडिट मैनेजर बनाया जाए, कलेक्शन मैनेजर बनाया जाए, उनको स्टेट हेड बनाया जाए, उनका ये पॉलिसी है। प्लस अगर कोई MBA की डिग्री लेके आता है तो उसको डायरेक्ट उन लोग एक मैनेजर पोस्ट दे देंगे, ये क्योंकि उसकी डिग्री का बात है, उसने MBA किया है, 10-15 लाख रुपये खर्चा किया है और MBA की डिग्री बोलती है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन किया आप अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको भी प्राथमिकता मिलेगी और MBA जो करके आएगा तो उसको डायरेक्ट मिल जाएगा जॉब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन MBA वाले फाइनेंस लाइन में बहुत कम आते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा जॉब होते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप ग्रेजुएशन वालों के लिए है। फाइनेंस कंपनी में ग्रेजुएशन वाले ही काम करते हैं, MBA वाले के लिए बहुत बड़े 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 कॉर्पोरेट हैं जहाँ पर उनको लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए, आपको MBA करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कंपनी ऑटोमेटिक प्रमोशन दे देगी। आनंद प्रकाश जी मेरे 2-3 बार कमेंट कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट का जवाब दे नहीं पा रहा हूँ। सर जी बताइए कि बंधन बैंक में जॉब करना कैसा रहेगा। देखिए बंधन बैंक कोलकाता का बैंक है, अभी भी नया नया खुला है, उसके भी मेरे ख्याल से 50 से 100 ब्रांचेस हैं, प्रोग्रेस कर रहा है बैंक। बंधन बैंक के अंदर ही 2-3 माइक्रो फाइनेंस भी है, तो आप बंधन बैंक में आराम से जॉब कर सकते हैं। बैंक है ये, बैंक बहुत आगे बढ़ेगा और बंधन बैंक का रेपुटेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसमें आराम से जॉब कर सकते हैं, अच्छा भविष्य है, तो बेफिक्र हो जाइए, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। प्लस इसमें अभी नया नया जो ओपनिंग हुआ है तो उतना प्रेशर में नहीं रहेगा, लेकिन आपके लिए अगर इसमें काम करेंगे लॉन्ग लाइफ तो आपको बहुत जल्दी प्रोग्रेस करके BM बना सकते हैं, तो बहुत अच्छा अवसर है। तो बंधन बैंक में आप अवश्य काम कीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। दीपक क्रिकेट म्यूजिक कहते हैं, इस माइक्रो फाइनेंस में कैसे क्या करना होता है, और इन्होंने एक और पूछा था कि माइक्रो फाइनेंस में लोन कैसे दिया जाता है। देखो माइक्रो फाइनेंस क्या है कि
समूह बेस पे लोन देती है, 8-10 महिलाओं लोगों को लोन देगी, या फिर भाई बहन को लोन देगी, या माँ बेटा को लोन देगी। तो ठीक है, आपको लोन समूह में देना है महिलाओं, जहाँ पर 8-10 महिलाओं को जोड़ लीजिए, उनको लोन दीजिए, या कोई भाई बहन होते हैं उनको ज़रूरत है उनको लोन दीजिए, या फिर माँ बेटा है उनको लोन दीजिए। गारंटर दोनों होना चाहिए, ठीक है। जब आप आईडी लेंगे तो माँ बेटा का भी प्रूफ मिल जाएगा कि माँ है, और भाई बहन का भी प्रूफ मिल जाएगा, तो उनको ही लोन दीजिए। अन्यथा बिना इसके अलावा पर्सनल आदमी को आपको लोन नहीं देना है। माइक्रो फाइनेंस का रूल ही है कि गारंटर होना चाहिए, गारंटर एक आम आदमी होना चाहिए, कोई बड़ा भाई बहन, बहन भाई का आराम से ले लेगी, माँ बेटे का आराम से गारंटी ले लेगी, और समूह में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें आराम से काम करते हैं। बस आपको ये दो आदमी को या दो आदमी का गारंटर पे या महिला समूह पे लोन देना, आपका लोन डूबेगा नहीं, और कलेक्शन कीजिए, अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा इम्प्रूव करेंगे आप इसमें। विक्रम कुमार जी का कहना है कि सर HDFC बैंक के रिकवरी पे एक वीडियो बनाइए। देखिए रिकवरी सब एक ही होता है दोस्त, रिकवरी भी कोई फाइनेंस की रिकवरी हो चाहे बैंक की रिकवरी हो, रिकवरी एक ही होता है। मैंने इसके पहले भी बता दिया कि रिकवरी में आपको जो लोग पैसा दे रहे हैं, आपको महीने में एक बार निकाल के देख लेना चाहिए कि जो लोग पैसा दे रहे हैं उनके पीछे मत जाइए। उन लोग पैसा डाल देंगे, उन ईमानदार हैं, वो खुद से डाल देते हैं पैसा। जो लोग नहीं डालते हैं उनको डेली फ़ोन कीजिए, इतना परेशान कर दीजिए उनको कि वो लोन भरना स्टार्ट कर दें। और जो लोग डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, 5-6 महीने से नहीं भर रहे हैं, तो भैया से बात करके उनकी गाड़ी या जो भी पर्सनल लोन सीजिंग है आप उनसे वो लीजिए। लेकिन आपको कस्टमर को परेशान करना पड़ेगा, दिन में 10 बार कॉल करना पड़ेगा और उनको चिल्ला के बात करना पड़ेगा। गाली नहीं देना है किसी को, लेकिन बिना गाली दिए भी ऐसा लाउडली आवाज़ में बात करिएगा, सर क्या हुआ आप लोन नहीं दे रहे हैं, सर अभी तक आपको किस्त नहीं पड़ा, आप 4 दिन हो गया सर, ऐसा नहीं होता कंपनी में। आप लोन भरिए कैसे करके, ये तो मुझे आपके घर आना पड़ेगा, ये तो मुझको आपको और कोई एक्शन लेना पड़ेगा, तो कस्टमर डरेगा आपको लोन देगा, क्योंकि उसने डॉक्यूमेंट साइन किया है, वो जानता है आपके साथ पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, गारंटी दिया हुआ है, तो वो फंसा हुआ है आपके पास में। तो आपको डरने की बात नहीं है, डरेगा वो। तो इस प्रकार से काम करेंगे आप, पॉजिटिव काम कीजिए, क्योंकि कस्टमर ने पूरे आपके फाइल साइन किए हैं, पूरे एग्रीमेंट साइन किए हैं, तो टोटली हर चीज़ आपके फेवर में है, कंपनी के फेवर में है। बस आप डर गए तो वो फिर किस भरना भूल जाएंगे, या फिर कोई दबंग आदमी है, कोई आपको किसी ने दबंग आदमी को फाइनेंस कर दिया, नेता को फाइनेंस कर दिया है, तो उस केस में आप पोलाइटली बात कीजिए, अच्छे से मिलिए, उनको समझाइए। बहुत मुश्किल होता है ऐसा जगह लोन, ऐसा तो लोन करते नहीं है, लेकिन अगर आपके लोगों ने कर दिया है तो उसमें आप थोड़ा उनको बस छोड़ दीजिए, क्योंकि उससे लोन नहीं निकल सकता है, उनके पर दबाव नहीं डाल सकते। एक पॉलिटिकल आदमी के ऊपर, एक दबंग गुंडे के ऊपर आप उनसे एक्शन मत भिड़िए, भले वो लोन ना दें, वो बाद में BM जानेगा या क्रेडिट मैनेजर जानेगा, वो खुद आएगा और उससे बात करके देगा। आप इनसे मत भिड़िए, भेजिए, आप सेफ रहिए। जो लोन दे रहे हैं, अगर आप लोन का 100% में 70% भी ला के हर महीने आप अपनी कंपनी को दे रहे हैं, तो आप बेस्ट काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपका इम्प्रूव होगा और आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको कोई टेंशन नहीं काम करने के लिए, मैं हूँ आपके साथ में, आप अपने पर्सनली आप मेरे से गाइडेंस ले सकते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, लोन रिकवर हो जाएगा, जैसे मैंने बताया वैसे कीजिएगा। और मैं बताया कि आपके मैसेज मुझको नहीं मिल रहे हैं, तो आप प्लीज़ मुझको मेरे व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम में मुझको मैसेज कीजिएगा, और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी दिया है 7204941416, तो उसमें भी आप मेरे को SMS करके पूछ सकते हैं। और आपने जो जो वीडियो बनाया DS से बाइक लोन पर भी मैं वीडियो कलर लेके आ जाऊँगा आपके ऊपर, आपके ऊपर। तो क्या होता है कि देखिए हर वीडियो नहीं चलता है, एक अब YouTube का भी एक है कि ट्रेंडिंग टॉपिक पे ही वीडियो चलेगा, तो आप मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक देंगे श्रीराम फाइनेंस चोला मंडलम ये सब चल जाएगा, बाकी अन्यथा ऐसा बैंक का क्या, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो फाइनेंस के सब्सक्राइबर है, तो फाइनेंस के प्रति आप मैं कुछ मुझको वीडियो बनाने बोलेंगे तो ही मैं वीडियो बनाऊंगा, तो ही वीडियो मेरा चलेगा, वरना मेरे वीडियो कोई नहीं देखेगा, ठीक है। लेकिन फर्स्ट मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप आज 50 लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपने पहले ही 50 लाइक नहीं किया था, 50 लाइक नहीं हो पा रहा है, तो आप आज प्लीज़ आप 50 लाइक कीजिएगा, सबसे पहले आप 50 लाइक करके दीजिए मुझको, मैं आपके डेली वीडियो लाऊंगा। तो प्लीज़ मेरा कहना यही कि आप 50 से 60 लाइक कीजिए, जितना लाइक होगा यूट्यूब को उतना अच्छा लगेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो प्लीज़ 50 लाइक करिए मुझको, और ज़्यादा हो सके तो 100 लाइक कर दीजिए,
मैं आपके लिए डेली आपके जो प्रश्नों के उत्तर लाऊंगा। बस आप मुझको इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिएगा या व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। और आप फ़ोन करते हैं तो देखिए, मैं वीडियो बनाता हूँ, दो दो वीडियो, तो काफ़ी रात हो जाता है, 12-1 बज जाता है, तो मैं सो के उठता ही 10-11-12 बजे हूँ। तो आप मुझे 12 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, 12:30-1 बजे कॉल कीजिएगा, तो मैं आपको फ़ोन में अनअवेलेबल में मिल जाऊंगा और आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे। बहुत लोगों के मैं कमेंट ले नहीं पाया, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन पर डे मैं वीडियो ला रहा हूँ, दो एक टॉपिक पे लाऊंगा और एक सवालों पे लाऊंगा, तो आपकी सारी परेशान हट जाएगी। मैंने जो गलती की है, मुझको जो नहीं मिल पाया, मैं चाहता हूँ कि आपको वो सब मिले, आप एक अच्छी लाइफ दिए, आपको एक बेहतर ज़िंदगी मिले, और फाइनेंस से बेहतर ज़िंदगी आपको सिंपल ग्रेजुएशन में कोई देने वाला, तो आपके हर चीज़ों का सवालों का मैं उत्तर दूंगा, आपको सिखाऊंगा और आपको आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज़, लेकिन 50 लाइक आज मुझको प्लीज़ करके दीजिए। कल लाइक कर रहे हैं आप, पहले से ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, लेकिन मुझको कम से कम 50-100 लाइक और मिलेंगे तो मेरा भी चैनल आगे बढ़ेगा और ग्रोथ होगा, तो और आपको भी फ़ायदा होगा। और अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।